आज से लगभग 20 दिन पहले मैंने मैरीगोल्ड की कटिंग लगाई थी, पानी में लगाया था और प्लस सोयल में भी लगाया था। दोनों की ग्रोथ काफी अच्छे से हो गई है। अब टाइम आ जाता है कि हम इनको जो है लगा दे जहाँ पे हमने लगाना है, और मैं इनको लगाने जा रही हूँ ग्रो बैग में। ग्रो बैग में देखिए मिट्टी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कम मिट्टी में हम किस तरीके से जो है ग्रो बैग को फील करें, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। और इस तरीके से जो है मैंने लगाया हुए हैं पौधे, तो चलिए बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका मेरे गार्डन में स्वागत है। तो सामने आपको ये दिखाई दे रहा है ग्रो बैग। ग्रो बैग देखिए जुगाड़ू है, ये परचेज किया हुआ नहीं है, यानी कि जो राइस की होती है बोरियां ये वही है। इनको क्या मैंने पलट दिया है और इनमें जो फील हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये समझ गए। मैं लास्ट वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से मैंने इनमें जो है फील किया था। तो आपने नहीं देखा है तो वो चेक कर लेना जरूर। तो इसमें जो मैंने फील किया सबसे पहले वो है गार्डन की, जो हम साफ सफाई करते हैं, प्रूनिंग वगैरह करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये सारी चीजें क्या है मैंने इसमें जो इकट्ठा करती गई। अब ये अच्छे तरीके से सड़ गल गया है। अब ऊपर से मैंने क्या है मिट्टी जो लिए है, मैंने ऊपर से जो मैंने फील किया इसमें क्या है 50% जो है नॉर्मल गार्डन सोयल लिए है और 50% जो है मैंने लिए हैं कोकोपीट। और बात करें कंपोस्ट की, तो कंपोस्ट जो है बिल्कुल मैंने एक मुट्ठी के बराबर ही जो है डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि वो मैं बाद में डालूंगी, अपनी अपनी कटिंग जो है शिफ्ट करना है। तो ये चीज़ें जो है डाल के मैंने देखी, थोड़ी सी मिट्टी में हमारा पूरा इतना बड़ा ग्रो बैग जो है फील हो गया। और ये रहा मेरा जो है मैरीगोल्ड का प्लांट। आप सोचेंगे कि मैरीगोल्ड के जो पौधे इतनी आसानी से उग जाते हैं तो हम कटिंग क्यों लगाएं। तो कटिंग से लगाने का फायदा ये होता है कि जो इसके फूल आएंगे ना बहुत बड़े बड़े आएंगे और अच्छे और हेल्दी जो है फूल जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए कोकोपीट में लगे हुए हैं 100% और इसकी जड़ें काफी अच्छे से देखिए कितने ज्यादा जो है फैल गई हैं। तो चलिए क्या है हम इनको जो है सेपरेट करके जो है लगा देते हैं। और ये बड़ा सा ग्रो बैग है, इसमें जो है मैं 5 से 6 नहीं जितने यानी हो सके तो मैंने जो है इसमें पौधे जो है लगा दिए। और मैरीगोल्ड का प्लांट जो है गार्डन में क्या है जरूर लगाए। देखिए दो चीजों से हम इस जो है इसका जो है एडवांटेज ले सकते हैं। एक तो देखिए ये पूजा में जो इसके फूल जो इस्तेमाल होते हैं, दूसरी चीज क्या है हम गार्डन में जो है ढेरों सब्जियां वगैरह लगाते हैं। अगर आप सब्जियां भी लगाते हैं अपने गार्डन में तो ये तो पौधा आपके गार्डन में होना ही चाहिए, क्योंकि मैरीगोल्ड का जो पौधा ऐसा है जिसकी खुशबू को अट्रैक्ट करके जो है मधुमक्खियां जितने भी पोलिनेटर्स वगैरह है वो अट्रैक्ट होते हैं, वो आते हैं। तो देखिए ये जो है मैंने पानी में लगाए हैं और इसे भी जो है सेम डे पे लगाया, यानी कि 20 दिन का ये भी हो गया पौधा। और इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से जो है चल रही है। और देखिए 15 यानी इस इन बिटवीन ही है। तो इन दिनों में क्या है मैंने सिर्फ 1 टाइम जो है पानी चेंज किया है और ये प्रॉपर जैसे ओपन में रखा हुआ था, टेरेस पे रखा हुआ था, इंडोर नहीं रखा हुआ था। और देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है इनके जड़े जो है डेवलप हो गए। तो इसको भी जो है हम 3-4 जो इसमें मैंने लगा दिए हैं, ये देखिए। अब बात करें दूसरे जो है, एक तो होगा कि ये जो इनके फ्लावर है पोलिनेटर्स को जो है अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारे गार्डन में जो है सब्जियां वगैरह लगाते हैं तो उनको जो है हेल्प होता है बढ़ने में या फ्रूटिंग में जो है ज़्यादा जो है एडवांटेज मिलते हैं हमें। और तीसरा जो है उपयोग जो इनके फूल हैं, इनके पौधे हैं, चाहे पत्तियाँ हो चाहे फ्लावर हो, इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है हमें, बड़ी प्यारी सी लगती है, भींगी भींगी सी। लेकिन क्या है जो भी मच्छर वगैरह इंसेक्ट वगैरह है वो जो है इसके आसपास नहीं भटकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है मैरीगोल्ड को लगाने का। तो अगर गार्डन में ज़्यादा मक्खियाँ मच्छर वगैरह आ रहे हैं तो आप इस पौधे को जो है जगह जगह पर जो है ज़रूर रखें। तो इसलिए मैंने बड़े से ग्रो बैग में लगा रखा है क्योंकि अच्छे तरीके से इनकी जो है ब्लूमिंग होगी। अब हम चाहें तो क्या सिंगल एक ही पौधा जो इस ग्रो बैग में लगा सकते हैं, अगर सिंगल लगाएंगे तो वो ही बहुत ज़्यादा जो है बड़ा सा एक झाड़ की तरह जो है बन जाएगा। तो मेरे पास क्या है बहुत सारे पौधे हैं, तो क्या है सारी की सारी मैंने इसी में जो है दबा दिए। और भी जो है मैं रेडी कर रही हूँ ग्रो बैग, उसमें जो है और भी मैंने कटिंग लगा रखे हैं। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा कटिंग लगाए कैसे, तो आपको पता होगा कि मैंने 3-4 ग्लासेस में जो है कटिंग लगाए थे, तो उनको भी जो है मैं टाइम टू टाइम शिफ्ट कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से थोड़ी सी मुट्ठी भर जो है मिट्टी में और छत के जो वेस्ट निकलते हैं गार्डन के उस वो मिला के देखिए बहुत अच्छा जो है ये ग्रो बैग बन गया, पौधे भी लग गए। और ये देखिए कुछ इस तरीके से क्या है मैं इकट्ठे करती रहती हूँ और ये फाइनल जो है मैं बाद में जो है जो भी पौधा लगाना होता है उसके बॉटम में जो ये वेस्ट को रख देती हूँ और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी फिल करके जो भी पौधे लगाने होते हैं उसको जो है मैं लगा देती हूँ। तो इस तरीके से आप जो है गार्डनिंग कर सकते हैं।